Hello students, it's me Arpita and I welcome to all in our new YouTube channel which is Education Skills. Okay, today we are going to cover our first chapter in chemistry for class 9 which is matter in our surrounding. So without wasting much time, let's get started. So what is matter? So first question is, what is matter? Anything which occupies space and has mass is called matter. वो कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ स्पेस हो, ठीक है, वो कुछ मास हो उसके पास, यानी कि उसके पास कुछ वेट हो, ठीक है, वो सब क्या है? वो एक मैटर है. अब यहाँ पर आप ये पिक्चर देखो बलून की. अब ये इस बलून्स हैं, ठीक है. अब बलून्स तो बहुत हल्के होते हैं, लेकिन जब ये क्लस्टर ऑफ बलून्स आ गया तो इसके पास कुछ वेट होगा. ये कितनी सारी स्पेस कवर कर रहा है, इसकी अपनी एक वॉल्यूम है, इतनी बड़ी इसके पास वॉल्यूम है, ठीक है. और इसी टाइप से ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है, ये भी इस टाइप से आपका एग्जाम्पल हो सकता है. पिरामिड जो दे रखा है ये, ठीक है. तो इन दोनों के पास क्या है? ये दोनों क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं, ये मैटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है. ओके, एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर एंड कोल, आयरन, वुड, आइस एंड अल्कोहल, मिल्क एंड ऑयल, कैरोसिन एंड पेट्रोलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन एंड सल्फर, रॉक्स एंड मिनरल्स आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर. ये सारे क्या हैं? डिफरेंट काइंड्स के मैटर हैं. यानी कि आप सबसे चीज़ ये समझो कि हम क्या कहते हैं, अगर आपके पास ये पॉइंट है तो ये भी क्या हुआ? ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे शो किया है, ये भी क्या है? ये एक मैटर है. क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी एक मास है, अपना एक इसके पास क्या है, अपना एक इसके पास वॉल्यूम है. देखो पेज की इतनी वॉल्यूम तो ये कवर कर ही रहा है ना, अपनी पेज की इतनी वॉल्यूम तो ये कवर कर ही रहा है. तो ये क्या हुआ? ये मैटर हुआ, ठीक है. तो मैटर वो छोटी से छोटी चीज़, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, ठीक है. तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है. If we look around us, we can see a large number of things of different shapes, sizes and texture. अगर आप अपने चारों ओर देखें, ठीक है, तो हमारे पास आप अपने चारों ओर देखो और आप बताओ कि वो किस शेप्स के हैं, क्या साइज है और कैसा टेक्स्चर है उनका, ठीक है. मैनी ऑफ दीज थिंग्स आर यूज बाय अस इन आवर एवरीडे लाइफ. तो यानी कि जो भी थिंग्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो भी हमें दिख रहा है, वो सब क्या है? मैटर है. और अगर जो हमें नहीं दिख रहा है ना, वो भी मैटर है. अगर आप देखो अमीबा, अमीबा क्या है? अमीबा एक मैटर है. क्यों? क्योंकि हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प, माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो देख सकते हैं, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो स्पेस कवर करता है या नहीं करता है. तो अमीबा क्या हुआ? एक क्या हुआ? अमीबा, अमीबा तो आप लोग जानते होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा. तो अमीबा क्या हुआ? एक मैटर हुआ जो कि क्या करता है? एक स्पेस कवर करता है, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेस कवर करता है. उसके पास अपनी एक वॉल्यूम होती है और अपना एक वेट होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी ईट फूड, ड्रिंक वाटर, ब्रीद इन एयर एंड वियर क्लोथ्स. वी यूज टेबल एंड चेयर फॉर स्टडिंग एंड बेड फॉर स्लीपिंग. वी ऑल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स, वेरियस एनिमल्स, प्लांट एंड ट्रीज अराउंड अस. तो यानी कि जो खाना हम खाते हैं, इट्स मीन्स जो खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, हम जो पानी पीते हैं, ब्रीद, हम जब हवा में सांस लेते हैं, जब हम कपड़े पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? जो भी हम कपड़ा पहनते हैं वो क्या है? एक मैटर है. वी यूज टेबल एंड चेयर फॉर स्टडिंग. हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें एक चेयर टेबल की ज़रूरत होती है, बेड चाहिए स्लीपिंग के लिए. वी ऑल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स, वेरियस एनिमल्स एंड ट्रीज अराउंड अस. और हम बाकी सारी जो इतनी सारी ह्यूमन स्ट्रिंग्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं सुबह सुबह, एनिमल्स देखते होंगे आप लोग आपकी रोड्स पे अगर होंगे तो, ठीक है, तो वो सब क्या होगा? मैटर होगा. द थिंग्स लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स, टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप देख सकते हो कि वॉट इज मैटर. तो मैटर एनीथिंग, राइटिंग में मत जाना, that occupies space and having some mass and volume with that called matter. example में जो भी आपको अपनी classroom में दिखे ना वो लिख देना, ठीक है. मैम का मैम दिखे ना, मैम में लिख देना ह्यूमन ब्रिंग्स, ठीक है. अब देखो,
द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर डेट इट शुड बी ऑक्यूपाई स्पेस. मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आपको कंडीशन चाहिए मैटर के लिए वो क्या होना चाहिए, कि वो कुछ स्पेस कवर करे और उसके पास कुछ वजन हो, उसके पास क्या हो, कुछ वजन हो. नाउ द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हार्ट रेट, गुड्स, मैनर, थॉट्स, आइडिया, टेस्ट एंड स्मेल एक्सेट्रा डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटेड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडिया, स्टेट्स एंड स्मेल आर नॉट कंसिडर मैटर. थ्रू ऑल दिस मैटर अ लॉट इन अवर लाइफ, एवरीडे लाइफ. अब देखो ये क्वेश्चन आ जाए कि हमें कुछ एग्जाम्पल दो कि वो कौन सी चीज़ें क्या नहीं है मैटर में नहीं आती. अब आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे. देखो आप लोग अब जाना इंग्लिश में. इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में तो सबने पढ़ा होगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स को शो किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसमें सारी फीलिंग्स होती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि जो फीलिंग्स होती हैं, फ्रेंडशिप होती है, लव होता है, हेटेड होती है, ठीक है, कि इस समय इनके पास स्पेस तो नहीं होता, तो केमिस्ट्री में इन्हें मैटर में नहीं इन्वॉल्व किया गया. ओके, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. सो चलिए हम अपने पैरा 3 पे चलते हैं. मैटर कैन बी क्लासिफाई इन अ नंबर्स ऑफ वेज. मैटर को हम बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स सेड दैट ऑल मैटर्स मैटर्स को पदार्थ बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेडअप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व बोलते हैं हिंदी में, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. देखो जो हमारे जो एंशियंट फिलोसोफर हैं, मेन क्वेश्चन बन जाता है, जो हमारे जो एंशियंट फिलोसोफर हैं वो ये कह के गए हैं कि जो मैटर है वो इस 5 तत्व से बना हुआ है, जो कौन कौन से, हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और वाटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल. मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इन 2 वेज, और मॉडर्न में हमें 2 वेज में बताई गई है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. एंड द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड based on elements, compounds and mixture. In this chapter we will study the classification of matter on the physical property. हाँ, तो अभी हम इसमें physical property पर पढ़ेंगे. एंड जो next chapter आपका इस matter is pure substance, उसमें आप लोग किस क्या पढ़ोगे, chemical chapter उसमें पढ़ोगे. next chapter में वही चीज़ उन्होंने दे रखी है. तो आपको इस chapter में, इस पूरे first page में क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि जो matter है वो क्या है. matter वो हर चीज़ है जो एक space cover करती है, चाहे हम उसे देख ना पाएं लेकिन हम उसे microscope की मदद से ज़रूर देख सकें. ठीक है, वो क्या होती है, वो सब चीज़ें. अब आप फ्रेंडशिप को कभी माइक्रोस्कोप की मदद से तो नहीं देख सकते, सिर्फ फील्स कर सकते हो, तो वो सब चीज़ मैटर में नहीं इन्वॉल्व होती. और एंशियंट इंडियन फिलोसोफर क्या कह के गए हैं, वो ये कह के गए हैं, उनके मानना ये था कि ये 5 चीज़ों से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ. ठीक है, और मॉडर्न साइंटिस्ट के उससे ये 2 बेसिस पे डिपेंड है, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी, फिजिकल की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. यानी कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स यानी कि पदार्थ से बना हुआ है. ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स. आप कुछ भी कह सकते हो, पीसेस भी कह सकते हो, पार्टिकल्स भी कह सकते हो. जो चीज़ भी हमारे सामने है वो किससे बनी है, या तो वो छोटे छोटे पीसेस से बनी है या फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है. आर बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, पार्टिकल्स से बनी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं. सेल्स से बनी है ना आपकी बॉडी. ठीक है, आर चेयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. किसके पार्टिकल से बनी है, वुड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे बनी है. आर टेबल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड दिस बुक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल. द नंबर ऑफ पार्टिकल इज एवरीथिंग इज हैव ओवर वेरी लार्ज. फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल ड्रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप कितनी होती है इसकी, 10^2. अगर 10^22 अगर मैं इसे लिखूँ तो यानी कि 10 उसके पीछे 21 जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ये पूरी जो इतनी बड़ी है पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट, इसमें कितने, इसमें इसकी एक जो बूंद होती है, ये आपको बूंद दिख रही है, इसमें वाटर के कितने पार्टिकल्स हैं, इसे काउंट करने बैठ दो ना तो बहुत पड़ेगी, 10^21 पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ओके. पार्टिकल्स ऑफ वाटर, सॉरी, द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन सी देम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप. हम क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी किसी मैटर के, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, इवन विदाउट सीइंग
them, we have certain evidence which tell us all the things, all the matter is made up of tiny particles. लेकिन उन्हें हमें कैसे उन्हें हमने कैसे ना कैसे करके देखा है, इसलिए हम उसे बता रहे हैं, उसका हमारे पास evidence है कि क्या, कि वो एक टाइनी पार्टिकल से बने, इसलिए हम टाइनी हम बहुत छोटे के लिए इस्तेमाल करते हैं. वी विल नाउ गिव सम ऑफ द एविडेंस विच क्लियरली शो डेट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल. दिस एविडेंस ऑल्सो शो डेट द पार्टिकल विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर इन मोशन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मूविंग होते हैं, यानी कि वो मूव्स करते हैं. देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, मूव करते हैं. प्लीज़ नोट दैट द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. मैंने वही चीज़ बताई थी, सबसे छोटी से छोटी चीज़ जो कि मैटर बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.